हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू और वड़ियों की सब्ज़ी, जो अमृतसरी वड़ियाँ होती हैं, इनकी सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। इसके लिए पहले देखिए, ये मैंने वड़ियाँ ली हैं, इनको अभी तोड़ के छोटा छोटा कर लेंगे। और ये आलू लिए, उबले हुए आलू। और ये देखिए, मैंने मसाले के लिए लिया है ये टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन। ये सारी चीज़ें अभी हम पीस लेंगे। तीन टमाटर लिया है, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और एक मीडियम साइज की प्याज। ये चारों चीज़ें हम अभी पीस लेंगे और धनिया तो लास्ट में पड़ेगा। और मसाला ये देखिए लिया है मैंने, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये मेथी दाना, जीरा, ये हींग और ये हल्दी। अभी मैं बनाऊंगी, अब फिर बताऊंगी कितनी मात्रा में क्या डालना। और ये नमक और सरसों का तेल 2 चम्मच सब्जी को भुनने के लिए। ये देखिए, हमने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है और मैंने ये देखिए वड़ियों को ऐसे तोड़ लिया छोटा छोटा। इनको हम हल्का सा फ्राई करके निकाल देंगे, थोड़ी सी ये ब्राउन हो जाए तो हम इनको निकाल देंगे। ये देखिए वड़ियाँ फ्राई हो गई हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। और ये तेल थोड़ा बच गया है फ्राई करने के बाद, तो थोड़ा सा 1 चम्मच और लेके हम इसमें अपना मसाला डालते हैं। ये देखिए तेज पत्ता डाल दिया मैंने, जीरा डाल दिया 1 छोटा चम्मच, 8 से 10 दाने मेथी के और हींग 1 चम्मच। ये देखिए मैंने ये छोटा चम्मच है ये पूरा लिया है, हींग ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें। ये डाल के हम अपना मसाला डाल देंगे जो मैंने पेस्ट बनाया था, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का। अब हम इसमें देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे मसाले में भी, और स्वाद अनुसार मिर्च डालेंगे। और मसाला आप अपने हिसाब से डालेंगे क्योंकि वड़ियाँ भी काफ़ी मसालेदार होती हैं। गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच और ये हल्दी 1/2 छोटा चम्मच। ये सारी चीज़ें डाल के हम मसाले को अच्छी तरह भुनने देंगे जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे। मसाला हमारा भुन चुका है, अब मैंने इसमें ये देखिए आलू और वड़ियाँ हाथ से तोड़ के ये डाल दिया और इनको भी थोड़ा भुनेंगे। ये देखिए ये हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। आलुओं को मैंने हाथ से ही तोड़ के डाला है, चाकू से नहीं काटा है। ये देखिए पानी डालेंगे और इसको पकने देंगे। आपको रोटी चावल जिससे भी खाना है उस हिसाब से आप पानी डालें और हम अब इसको पकने देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है, हम अब इसको धनिया डाल के फिनिश कर देते हैं और प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी आलू और वड़ियों की सब्जी तैयार है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।